सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की शुरुआत करते हैं हल्की सी कॉमेडी के साथ। सो हनी पाजी अभी जब एक इंटरव्यू दे रहे थे तो एक रिपोर्टर अपना इंट्रोडक्शन देती है और हनी पाजी को वेलकम करती है, लेकिन हनी पाजी ने रिपोर्टर की टैगलाइन पे कुछ ऐसा बोल दिया कि आप लोग भी बोलोगे। कितना गंदा आदमी हूं मैं। स्वागत है टेली खजाना पर और इस वक्त हमारे साथ है दी ओनली रैपर हनी सिंह। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना पर। थैंक यू, खजाना खोलो फटाफट। थैंक यू, खजाना खोलो फटाफट। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सो हनी पाजी यहाँ कौन से खजाने की बात कर रहे हैं? आप लोग शरीफ लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता देना। खैर 2023 की शुरुआत तो हनी पाजी ने नोट फेंको द करमपुरा सॉन्ग से की है, लेकिन जैसे कि आप सबको पता ही है कि एक महीने में हनी पाजी अब 2 से 3 गाने तो ड्रॉप कर ही देते हैं। सो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि 15 जनवरी को हनी पाजी का एक और गाना ड्रॉप होने वाला है। इस गाने का नाम तो हनी पाजी ने नहीं बताया, मतलब अगर 15 जनवरी को पंकुड़ी सॉन्ग आने वाला होता तो हनी पाजी इसका नाम भी ले लेते, क्योंकि उन्होंने पंकुड़ी सॉन्ग का फर्स्ट पोस्टर लास्ट मंथ ही ड्रॉप कर दिया था। तो पहले आप लोग एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख लो जिसमें वो सरप्राइज सॉन्ग की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली 15 जनवरी को एक और गाना रिलीज कर रहा हूँ। 15 जनवरी को एक और गाना रिलीज कर रहा हूँ। So, मेरे हिसाब से 15 जनवरी को जो सरप्राइज सॉन्ग आने वाला है उसका नाम लश्कारे हो सकता है। जी हाँ, काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 15 जनवरी को हनी पाजी लश्कारे सॉन्ग ड्रॉप कर दे और 24 जनवरी को फिर पंकुड़ी सॉन्ग। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन 15 को हनी पाजी का एक गाना 101% आने वाला है, ये बात कन्फर्म्ड है। कुछ ही दिनों में आपको इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाएगी, सो वेट करो उसका। बाकी कल रात हनी पाजी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुबई में देखने को मिले हैं एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।